हर एक को मेरा प्यार पहुंचे जहां तक ये आवाज जा रहा है। और आज भी हम जनताओं को वो संदेश लेकर के आया हूं जो आप लोग को सुनने के लिए बहुत जरूरी है। भाई बहनों, अभी तक इंसान हर एक चीज ले लेकर के लोग को डरवाते रहते हैं। हम बात करने जा रहा हूं कि एक बाकस, मुर्दा के बाकस, एक छोटा मुर्दा के बाकस परिवार हैंकी एंड फारंटाइन ऑन द मायोस्टी, वहां पर कोई ले जा करके ये मुर्दा के बाकस छोड़ करके चला गया। एक सफेद रंग के दुकू, एक सफेद रंग के कपड़ा से ओढ़ावल। यसेंटा हैंकी वो शक करती है कि मुमकिन है उनका एक्स मान, जिनके साथ अब वो नहीं है, वो ये किया होगा। प्यारे प्यारे लोग, मुर्दा के बाकस ला करके रखना मैदान पर, जमीन पर, तरेई पर, अंगना पर लोग को डरवाने के लिए, जो लोग भूत परश में ज्यादा विश्वास करते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन जो भूत परश में इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं तो वो उठा करके कहीं ले जा करके धर देता है बगल में। लेकिन ऐसे बात है कि इनकी तरेई पर एक मुर्दा के बाकस को ला करके रख करके कपड़े से ओढ़ा दिया ताकि परिवार डरे और परिवार से कुछ बदला इन्हों लेना चाहता है। प्यारे प्यारे लोग, उपमा मिनिस्टेरी हम बातचीत करने को जा रहा हूं आखिरी समर प्रोसेस के बारे में। मुमकिन है कि ये मुकदमा धीरे धीरे अब खत्म होने को जा रहा है या खत्म हो सकता है, क्योंकि श्री देशी बौद्ध से जिन पर, जिन्हें लोग हो प्रदाक्त के नाम से भी पहचानते हैं, आखिरी समय प्रोसेस में ऑडिटर मिलिटर रॉय एल्गिन कल रिप्लिक में फिर से वो जो पहले सवाल किया था, पहले एस किया था 20 सेल्स, फिर से ये रिप्लिक में ये वही बात के मांग की है कि उन्हें 20 साल के सजा रेफर को देना चाहिए। जिसे जेमी स्टॉलक, एचन बोरफेन, एल्गन, इन दोनों को भी रिप्लिक के अंदर में सब बात ला करके दिखाया कि यही दो कसूरवार है, ये दो वहां रहा भी, इन दोनों को भी 20 साल के सजा की मांग की हुई है। इनका थोकाट फ्रॉम ट्रेडमान इन दोनों के लिए रिहाई के मांग किया है फ्रेश प्राक के लिए। सिंधिया मोंट नो जहां तक पता है कि अब ये मुकदमा को वो खत्म करना चाह रही है इसी साल में, क्योंकि पता चला है कि सिंधिया मोंट नो जो ट्रेश रात का प्रेसिडेंट है, सिंथिया फाल्स्टेन मोंटनोर, एक तारीख मुकर्रर की है, वह नेशनल 12 अक्टूबर को, नेशनल 12 अक्टूबर को बाउचर्स का एडवोकेट एरविन कन्हैय को मौका रहेगा डुप्लिक करने के लिए, यानी रिप्लिक के ऊपर डुप्लिक होता है, उस पर अंतो देवे के रिप्लिक के ऊपर अंतो डुप्लिक, और उसके बाद में मोंटनोर फॉरेस्ट निकालेगी। जब ये कन्हैय डुप्लिक कर चुकेगा 9 अक्टूबर इसी साल में, तो 9 अक्टूबर फॉरेस्ट इन साक तो प्रदाक्त बहुत से। प्यारे प्यारे लोग, ये कोर्ट कचहरी के मामला आप सुनते रहे ना। भैया, श्रीराम की जनता, आप शायद सुने होंगे कि एसएलएम अपना टिकट एसआरडी में भी अब आपको मौका देगा खरीदने के लिए। एसएलएम एसआरडी में
यहां लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द एस्ट अक्सी मॉडल एसएलएम जो करने जा रहा है, हाउ इन दैट एसएलएम फ्लिक टिकट्स van 1 tot en met 21 augustus 2018 in SRD kunnen worden betaald voor reizen vanuit Suriname in oktober en november 18. De perlo actie, je perlo actie SLM is er hier, hè? Die 1 augustus, 21 augustus 2018 आप SRD में टिकट खरीद सकते हैं, जिस पर आप मॉर्खन नेट सुरिनाम्स डॉलर SLM में आप टिकट खरीद सकेंगे। पहले तो आप जानते हैं आपको फ्रेंड फालूटा से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग को मौका है एक टोटमेट इंडियन ऑफिसर्स सुरिनाम SRD में। इस मौका से कितने लोग फायदा उठाएंगे आपके लिए मैंने खबर दिया से आप क्या कर सकते हैं। हमें पता चला कि ब्रांतवेर के पर्सोनील भी काफी नाराज है। ब्रांतवेर, ये पर्सोनील जो है प्यारे लोग, ब्रांतवेर पर्सोनील फॉर ब्रांतवेर, सोमवार को ये लोग अपना शिकायत किए हैं। ये सब भी स्टॉकिंग के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग काफी नाराज है इस और खनिशासी में। इन लोग का वेंशन पैकेट जो इन दिन किया गया है, मांग अभी तक पूरा हुआ नहीं। अब ब्रांतवेर भी फीसों से निकलना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। वो ब्रांतवेर विल एट फीसो, क्योंकि ये लोग को देखने में आया है कि ये लोग का पोसीसी ठीक नहीं होता है। हमारे प्यारे प्यारे लोग, सीबीआई कांतोर में पासपोर्ट चोरी हुआ है। आज के अखबार में भी इसके बारे में जिक्र की है, और क्या जिक्र की है, अफडेलिंग सीबीआई अफडेलिंग खसलोतन जो फ्लोरा में है, जहां पासपोर्टन चोरी हुआ है, होम इंस्पेक्टर हेमप्री नारदन ये बात हम लोग को बताया है। क्योंकि कुछ पासपोर्टन यानी पासपोर्टन ये बता नहीं पा रहा कितना पासपोर्ट और बकैन आंता लोग कहते हैं, ये शनिचर सवा 12 बजे के बाद ये सब चोरी हुआ है, क्योंकि उस समय कंतोर बंद भई है। और मुमकिन है कि कल जब लोग काम पर गए हैं तो देखा कि कुछ पासपोर्ट वहां से हट गया, उस जगह से एक खिड़की खोल करके लोग अंदर गए हैं और पासपोर्ट चोरी कर लिया। इसलिए सीबीआई अफडेलिंग जहां पासपोर्टन के कारोबार होता था फ्लोरा में, वो कल से बंद कर दिया गया है। प्यारे लोग, ये पासपोर्टन चोरी हो जाने से कुछ लोग ने गलत काम भी करना चाहते हैं, नकली पासपोर्ट बना बना करके। डिस्ट्रिक्ट फॉलो फेस्टिंग जो लोग आक्सी के लिए धमकी दिया था, बॉम्ब फोर्सेस माइकल सालोंस, ये आक्सी रोक दिया गया है, क्योंकि अंडर हैंडलिंग बाय द स्टेटिंग बस्तूर आर्मेज ओवर इनकम्स के बारे में यह शुरुआत हो चुका है, इसलिए यह आक्सी रोक दिया गया है। प्यारे लोग, पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा स्मोकल के सामान सुरिनाम में लाए जाते हैं, वह है तंबाकू और अल्कोहल। हो सकता बैकट्रैक से यह गयाना से यहां लाया जाता है। हैंक जो कर तो ऐसे ही के अलग से, उनका कहना कि स्मोकल वार जो आ रहा है ब्रिटेन से, मुमकिन गया ना हो या फ्रांस को जाना, ये इस देश के लिए बहुत हानिकार है, क्योंकि ये सामान पर ब्लास्टिंग नहीं भरा जाता है,
और ये दुकान दुकान में ये स्मगल के सामान बिकता है, इसलिए इसके बारे में अब आगे चलकर के उन्हें सुख होगा। एक 20 साल का लौंडा सदस्य का नाम मुझे शायद पता है, मेरे नाम तो नहीं बता नहीं जाऊंगा आपको। एक 20 साल के लड़का इनक लड़किया जुएल ओफरमान, ये अपने परिवार के साथ रिक्रियासी और पारा को गया है। ये पारा में गया है एक जगह जिसका नाम है पाराचीमा। ये लड़का कूद पड़ा रीबा में नहाने लगा और पौड़ते और दूर निकल गया और फिर बाद में बुड़ गया और ऊपर आया नहीं। ये सब परिवार वहां मौजूद था। हमारे सूरीनाम की जनताओं को हम बार बार समझाते हैं, भैया अगर आप परिवार के साथ कहीं जाएंगे पानी में मत उतरना जब तक एक बॉडी गार्ड नहीं है। ग्यारह जुएल ओफरमान गेल पानी में, उकरे बाद में पानी में से निकल नहीं सका, बुड़ गया, उनका मौत हो गया है, उनका लाश भी निकाला गया है। अब भला बताइए कई मर्तबा जनता को समझाए जाते हैं कि अगर आप कहीं नहाने के लिए गया, रिक्रियासी और के लिए गया तो कम से कम आपको स्वयं त्रस्त होना चाहिए। मां बाप भी मौजूद रहते हैं, लड़कन को इजाजत दे देते हैं पहुंचने के लिए और देखो उसका नतीजा क्या है। ओफरमान का मौत हो गया है, है? अभी वर्का फकांसी ठीक से शुरू नहीं हुआ, एक लड़का की मौत हो गया है। बाकी लोग को यह बात सीख लेना चाहिए कि अगर आप पौड़ना नहीं जानते हैं तो आप रिक्रियासी ओर की तरफ मत जाना। इतने तुम्हें शौक है पौड़ने के लिए तो यहां स्वयंबाद में चला जाइए पौड़ने के लिए, कुछ पैसा लगेगा। लेकिन अपना मौत खोजने के लिए लोग जाते हैं शहर से बाहर। एक नौजवान जुएल ओफरमान है, खाते पीते नौजवान, इनका मौत हो गया है। हम लोग को इस बात से दुख है, हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं। परमारीबो यूसुफ इसराइल स्त्रात में एक 82 साल के बुढ़िया अपने बेटा के साथ बौ मछली आल साग की तरफ गया कुछ खरीदने के लिए। ये लड़का जो है बेटा उतर करके कुछ सामान खरीदने के लिए चला गया भीतर कंटोर में वगैरह, लेकिन उनकी मां उसी गाड़ी में बैठी है और उनके पास एक तस है, एक तस उसमें कुछ पैसा है। थोड़े देर में एक तो यू तस पास जो रुका उसमें से एक आदमी उतर करके और बुढ़िया के पास जाकर के उनका तस छीन करके और वहां से रवाना हो गया। 400 SRD कागज पत्र उसमें था, मोबाइल टेलीफोन बुढ़िया के हाथ से छीन करके और वहां से भाग गया है। यह होता है सूरीनाम में भाइयों। प्यारे प्यारे लोग, अगर आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है, न समझे तो हम का बताई, हमेशा मैं आप लोग को समझाइए। तास पास ये लेकर के बैठी हो तो तनी वो तरीका से ताकि चोर आपके हाथ से कुछ छीन न पाए, और अगर चोर छीन करके चला जाएगा तो तुम्हारी ही नुकसानी होता है। हमारे भैया देश के निवासियों, इंडिया का एक अंबेसडर आया है सूरीनाम में, महेंद्र सिंह कुनियाल। वो देसी बहुत से प्रेसिडेंट को कल जा करके अपना खलूस ब्रीफ पेश की है। खलूस ब्रीफ यानी इस देश में एम्बेसडर रहने के लिए और काम करने के लिए प्रेसिडेंट से इजाजत मांगने के लिए अपना खलूस ब्रीफ जाकर के दिया है। अब यह कहा हुए है भैया, क्योंकि हम लोग को पता है कि अंबेसडर लोग कुछ समय के लिए आते हैं फिर वो लोग को वापस जाना है या वापस चल जाते हैं अपने देश को। जीत बहादुर रविंदर
19 जुलाई को ये अजुमा को गया और अभी तक वापस आया नहीं। जीत बहादुर रविंदर ये काम पर गया है अजुमा और तभी से ये अभी नहीं लौट आया है। इनका परिवार बड़ी मुसीबत में है, बहुत चिंता करता है कि जीत बहादुर रविंदर घर से गया है अभी तक वापस आया नहीं। प्यारे प्यारे लोग, ये बड़ी अफसोस की बात है कि घर से गए और पता नहीं कि ये कहां है और ये कब लौटेगा। देखने तक यार मफराओ बीफे को सत्र जुली आखिर तक की है फर नीलन फानहार औ तो लेई तरफ वहां जाकर के ये औरत नालिश की है। इनका सवारी को लोग तोड़ फाड़ जा रही है। प्यारे प्यारे लोग, पता चला कि औरत ने, इस औरत को खबर मिला कि इनका पति बाहर औरत रखी है। सुनिए तमाशा, पता चला कि उनका पति का बेल्टफ्रो का घर कहां है। वो नाख्तफेस 25 जुलाई को वो पहुंचा बेल्टफ्रो के घरे। वहां पर बेल्टफ्रो के मैया घर पर है तो उनसे शुरुआत किया बताने के लिए कि माता जी, तुम्हारा बिटिया हमारा आदमी के रखी सर और अल्लीफ जैसे रला थी। जब ये सब नालिश वालिश कर चुका, शिकायत कर चुकी तो मैया जो है बैठफ्रो के मैया घर के अंदर गई। तो घर के अंदर जो गई है तो वहां से झाड़ू लेकर के बैठफ्रो के मैया गल घर के अंदर बैठफ्रो आर राइस बेलन एंड क्वाम मैथन बीसम स्टॉक नर बैठन। बस गए जाओ तो वह मैं बैठा बेचारी, बस लगा भैया लगा बीसम स्टॉक से गाड़ी पर भड़बड़ 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 पीटने लगा, फोड़ फाड़ करने लगा। इसलिए ये औरत जाकर के नालिश की है और 44 साल का फरदख्त उन्हें सिपाही गिरफ्तार की, अब ले जाकर के बंद की है। तो ये हुआ है तमाशा नीली धरोप में भैया। मुदर फॉर बेल्ट फ्रॉ फर नील औो खतरा फ्रॉ बड़ी चकल से काका तो क्या का बचाई है। एर ओ खेबे हजार लोग को बस खेकिंग बांटे हुए हैं पारा में। एरो खेबे का मिनिस्टर रोनिन शामसुद्दीन, प्यारे प्यारे लोग, पारा के करीबन 1000 बस खेकिंग पारा में एरो खेबे का मिनिस्टरी जाकर के बांटे हुए हैं। समझ लो भप्पा, तो आप समझ गए हैं। तो 1000 बस खेकिंग लोग को जमीन मिला है, जमीन पर घर बनाओ, कारोबार शुरू करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बेच करके कुछ पैसा कमा करके दारू पी करके और रंडीबाजी करेंगे तो वो भी गलत बात है। इसलिए आप लोग को चेतावनी दी जा रही है कि जो जमीन सरकार आपको देता है उस पर घर बनाओ या कुछ ना कुछ आपको उस पर करना चाहिए। खवाह पंडित रोफ ओफरफाल पंडित पलटन तिवारी में 3 को डाकू इतवार के सवेरे की बात है, सबके हाथ में बंदूक पंडित पलटन तिवारी में
politie के रिपोर्ट से पता चला है कि जो दादर सेक्शन 3 और 4 एक घर में घुसा, पीछे के दरवाजा उखाड़ करके भीतर और स्लास्ट ऑफर कारमेन जो सो रही थी बेचारी उनका हाथ पांव बांध दिया और सेस जॉयसन नगद पैसा गहना मोबाइल टेलीफोन टेलीफिसी और जितनी सामान लेकर के भाग सका लेकर के भाग गए हैं वापन रोक ऊपरफाल आंड पंडित पलटन तिवारी वह। प्यारे प्यारे लोग, तो ये सब बात जरूरी था आप लोग को बताने के लिए। ऑटो एन खुदरन खस्तोलन क्रिमिनेलन शुक्रवार के रात्रि को एन ब्रंट ग्रेज वाहन आंड टायर ब्लैकस्ट्रैट ये लोग चोरी किया है। फ्री रेंज में घुस करके घर के अंदर फ्री रेंज जो है ना घर में घुस करके सब इधर से उधर झाड़ बहार करके जितना चोरी कर सका चोरी करके चला गया। 10,700 यूरो 16 डिजिट SRD टेलीफिशी टू स्टेल 3.5 इंच और ये पैसा एक क्लेरकास में था जो स्लाब कामर में उसी में जमा किए थे परिवार। ये डाकुओं ने सब लूट उठ करके वहां से भाग निकला है। बड़ी अफसोस के बात है भैया, बहुत दुख के बात है ये सब बात जो हो रहा है। रोज यहां वहां वहां यहां लोग चोरी करते हैं और ये दुख के संदेशा है, बहुत दुख के संदेशा बात भैया जी। हमारे सरनाम के तमाम जनता भाइयों बहनों, मैंने अभी आप लोग को ये संदेश दिया कि नेशनल प्रेस अक्टूबर को 8 दिसंबर प्रोसेस में फोनस निकलेगा। उसके बाद क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन यह समस्या धीरे धीरे 10 साल से ज्यादा हो गया है। अब कम से कम इसमें फैसला होना ही चाहिए, या सजा दे सजा दे या फ्रेश प्राप्त तो फ्रेश प्राप्त, लेकिन इसमें सरकार को या रेक्टर को फैसला अब सुनाना चाहिए। प्यारे प्यारे लोग, एक डाकू ने एक 38 साल के औरत, ये औरत शर्मकस्त्रात एक कसिनो के सामने खड़ी है। ये डाकू वहां पहुंचा उनके पास, कहा हमें टैक्सी शोफेर। औरत बेचारी खड़ी है टैक्सी के इंतजार कर रही है। यह आदमी पहुंच गया कि हाँ हाँ टैक्सी आ गए, टैक्सी बैठो बैठो, बेचारी को बैठा लिया गाड़ी में। औरत बैठ गई से गाड़ी में, सोचे हम टैक्सी में बैठे है। अब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ चलने लगा, ये पहुंचा आलवाल्डे स्ट्रैट में। तो इन आलवाल्डे स्ट्रैट आनकुआम बस ये टैक्सी शोफेर शो खराब ने टैक्सी शोफेर यानी चोर डाकू रहा है ना, उनका मोबाइल टेलीफोन खींच करके उनके हाथ से और हुक्म दिया गाड़ी में से उतरने के लिए। जैसे बेचारी उतरा बस गाड़ी लेकर के भाग गया। समझ गए, ऐसा ऐसा डाकू ये सब मौका ही बना बना करके लोग को लूटते रहते हैं। अब बोलियो तो का बोलियो, नेहरुआ कहा करता कसिनो के सामने, कसिनो के सामने 38 साल का मेहरारू क्या कर रही थी काकी, तू बताओ ना। द फ्रॉग बफोन शेख ऑन द सरबा कस्ट्रा टेक ओवर एन कसिनो। भैया अब हम ना कुछ बोलेंगे क्योंकि ये सब मुसीबत खुद खोज रहे हैं, खोज ये मुसीबत ये लोग खोज खोज करके मुसीबत में जाता है। प्यारे लोग, द डाक्टर इन हिमसेल्फ ऑफ नीको ऑगस्टस इस साल अपूरा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। द डाक्टर इन हिमसेल्फ नीको अक्टूबर को अपूरा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। कैप्टन कार्लो लेविस अपूरा को यह संदेशा दिया है।
वहीं पर ये नाच गाना और वहीं पर खवाई पियाई होगा। जब वो निष्पान सेपा रूता एन ओ रियाला उन लोगों को भी न्योता दिया जाएगी, का बलेबो उन्हें न्योता दिया जाएगा, अपूरा वशाबो सेक्शन इन तमाम लोग वहां जा करके और ये उत्सव बड़ी धूमधाम से अपूरा में अब से मनाया जाएगी। नीख और क्रिस्टस को दर इन हेमसन ऑफ नीख और क्रिस्टस साल जित यार खफीट वर्दन इन अपूरा कैप्टन कार्लो लेविस सरिस दिया अखबार ने इसके बारे में भी जिक्र की है। ए भैया हमारे जनता देखो, हर एक शाम को ज्यादा बारिश होने लगा है। आप जानते हैं ये लोग ने कहा था कि बारिश मिड ऑगस्ट तक रहेगा, उसके बाद झोरा शुरू होगा। सरकार से निवेदन है कि जितना कच्चा रास्ता है उस पर शुरुआत कर दे काम करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अब ये बारिश रुक रहा है। प्यारे लोग जैसे आप जानते हैं जितने शांति का रास्ता है, हमारे सूरीनाम में ईटा है, पत्थर है और तरह तरह के सामान है जिससे लोग डाम सड़क बना सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए उस जगह पर उस अवदेलिंग पर कुछ चलाक चलाक लोग को बैठाने के लिए। जो चलाक लोग को बैठाएंगे तो ये सब चीज जानत है, लेकिन आप उसको बैठाएंगे कि वो अपना नाम तहार न लिखत जानत है तो वो काम और कौन सी बनाई डाम बनाई। इसीलिए पता है आप लोग को कि हर एक कच्चा रास्ता पर काम अब शुरू होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। प्यारे भाई मुझे पता चला है कि इसी महीना ऑगस्टस में कुछ कमिश्नर्स के अदली बदली भी किया जाएगा। ये दो हफ्ते के अंदर में कुछ कमिश्नर्स जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सालों से काम करते हैं उन लोगों को म्यूटाक्सी यानी म्यूटेट किया जाएगा। मुझे पता चला है कुछ कमिश्नर्स जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत से काम भी कर चुका है, डिस्ट्रिक्ट में जो काम भी कर रहा है उन लोगों को भी हटाया जाएगा। दो हफ्ते के अंदर में पता चला कि कुछ कमिश्नर्स अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट से एक बार डिस्ट्रिक्ट, मतलब अदली बदली होने को अब जा रहा है ना। तो भाइयों बहनों सरकार अपना काम करते हैं, हम लोग भी अपना काम हम लोग को करना ही चाहिए और आशा है कि हर एक आमतनार जिनों को तनख्वाह मिलता है अब सिर्फ अकाशी खल भी मिला है, आप लोग जो जगह पर बैठाए गए हैं आप लोग को काम करना चाहिए। जो जो जगह पर आपको बैठाया गया है आप लोग को काम करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना जिंदगी वाह वाह हो जाएगा। प्यारे लोग आज हम आप लोग से इजाजत चाहते हैं, हम फिर आप लोग से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।